डिमोनेटाइजेशन के पहले 18 लाख करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे। डिमोनेटाइजेशन के खत्म होने के कुछ महीनों के अंदर सरकार ने उसकी भरपाई की पूरी कोशिश की और 18.5 लाख करोड़ नोट्स मार्केट में आए। लेकिन शुरू की तरफ सरकार ने 2000 नोट बहुत ज्यादा छापे, जिसके वजह से 2000 की संख्या लगभग एक तिहाई है पूरे नोट के सर्कुलेशन में, और वो नोट मार्केट से धीरे धीरे हट गए, जिससे कि टोटल नोट सर्कुलेशन जो है एक तिहाई लगभग घट गया और 17.5 लाख करोड़ में सर्कुलेशन से हटा लिए गए। अब सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है और इसकी भरपाई 500 और 200 के नोट से कर रही है, जिसके लिए लॉजिस्टिक्स के काफी प्रॉब्लम सरकार को फेस करनी पड़ रही है। एटीएम को कई बार भरना पड़ेगा, कई एटीएम 200 के लिए कैलिब्रेटेड नहीं है, उनको दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ेगा। इसके मूवमेंट में भी नोट के छापा खाने से मूवमेंट में भी इनके समय लगता है और ज्यादा बार इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। दिक्कतों को सामना करते हुए सरकार की कोशिश है कि कम से कम समय में इसका भरपाई को पूरा किया जाए, नोटों की किल्लत को दूर किया जाए। हम जनता को थोड़ा इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश में नोट की होर्डिंग जो है, बड़े नोटों की होर्डिंग कॉमन बात है, और इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ही हो रही है। खाली किसी के पास ये बड़ा कोई रखने अगर नोट रखने की जो प्रथा है उसमें बड़े नोट ही लोग हटा के अपने पास रखते हैं और जो 500 200 के नोट मार्केट में ज्यादा सर्कुलेट करते हैं। सरकार को थोड़ा सा इस चीज को भापना चाहिए था नोटों के छपाई के पहले कि कौन से डिनोमिनेशन के नोट कितना छापे। मुझे ये लग रहा है कि 2000 के नोट की प्रतिशत छपाई ज्यादा हुई है, वो अगर 10% के अंदर हम लोग रखते तो आज ये किल्लत जनता के सामने नहीं होती। हाँ, ये भी संभव है, क्योंकि कैश का जो आदान प्रदान होता है बड़े नोटों में आसान होता है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये लॉजिस्टिक्स का मामला हर क्षेत्र में आता है। जैसे सब मंडियों में, वहां जहां पे कैश चलता है वहां भी बड़े नोट अगर होंगे तो आदान प्रदान आसान रहता है। इसी तरह से और ज्वेलरी के क्षेत्र में बड़े नोटों का आदान प्रदान ज्यादा होता है। तो इस सेक्टर वाइज जो रिक्वायरमेंट है नोटों के डिनोमिनेशन की, वो भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए छपाई के समय। बहुत अहम प्रश्न है और इसका उत्तर थोड़ा एक छोटे से इस छोटे समय में देना बहुत नामुमकिन सा है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये वेल रिसर्च्ड एक एक्टिविटी होनी चाहिए सरकार की। भरपूर इसको नोटों हर क्षेत्र में इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप की होती है, नोटों की रिक्वायरमेंट। और अभी भी भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन से काफी पीछे है, 2 से 2.5% ट्रांजेक्शन ही डिजिटल हो पाते हैं, बाकी 98% कैश में ही हो रहे हैं। इसलिए जब तक ये हमारे इकोनॉमी में कैश का रिक्वायरमेंट 98% रहेगा और अबव रहेगा, तो इसमें और फोकस्ड वे में इसका सही तरीके से निवारण करना बहुत जरूरी है।